मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिलेक्शन होना या ना होना मेरे कंट्रोल में तो ये है कि मैं जिस तरह जितनी भी कोशिश करूँ मैं अपना बेहतर से बेहतर करने की हर रोज़ कोशिश करूँ। फिटनेस के लिहाज से उनको मैं आइडियलाइज़ करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपना वो सारा कुछ अपनी ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन रखा हुआ उन्होंने, वो कैप्टन है स्किपर है, हम स्किपर ही कहते हैं उनको, और वो फिर जिस तरह से वो बिल्कुल भी उसमें चाचू वाला वो नहीं आता, कोई रिलेटिव वाला नहीं आता। तो जो भी टीम अगर मुझे पिक करेगी तो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट। इस वक्त जो है मेरे साथ मोहम्मद हुरैरा मौजूद है। अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही है, और इस साल भी नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हुरैरा क्या गोल सेट किए हैं, क्या एम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है जितनी भी परफॉर्मेंसेज हुई हैं उस पर, और सेकेंडली ये है कि मैं हर चीज़ हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ अपने लिए टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और बस वही माइंड सेट है और इंशाल्लाह उसी उसी को है। और सेकेंडली मेरा ये होता है कि मेरी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो वो टीम के लिए मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। वो तो रही है, क्योंकि हमने जैसे देखा है आपने, चाहे कायदे आजम ट्रॉफी हो या अभी जो T20 नेशनल T20 हो रहा है उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। प्लस ये बताइएगा हुरैरा के लास्ट मैच में आपने जो चाचू के साथ अपने प्रेज शेयर की थी, वो क्या फीलिंग थी फर्स्ट टाइम? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली PCB के किसी प्रोफेशनल मैच में तो फर्स्ट टाइम था, चूंकि हम सियालकोट से हैं दोनों, तो वहाँ पे हम क्लब में काफ़ी शेयर करते रहते हैं प्रीज, लेकिन इस तरह से ऑब्वियसली एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जिस तरह से वो सिचुएशन को असेस करते हैं स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में, वो आई थिंक इज़ सेकेंड टू नन। तो उनसे काफ़ी चीज़ें ऑफ द फील्ड भी वो मुझे बता रहे थे, फिर जब बैटिंग कर रहे थे उस दौरान भी, तो वो एक बड़ा अच्छा और बड़ा मेरे लिए मेरी लाइफ का एक वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो कि मैं हमेशा चेरिश करूँगा। अच्छा, जैसे अगर शुएब मलिक की बात करें तो वो फिट रहते हैं माशाल्लाह से इस एज में भी, तो उससे कोई टिप्स लेते हैं फिटनेस के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं उनको फिटनेस के लिहाज से उनको मैं आइडियलाइज़ करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपना वो सारा कुछ अपनी ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन रखा हुआ उन्होंने, और जिस तरह से वो एफर्ट पुट इन करते हैं, तो ऑब्वियसली उनसे इस बारे में भी बात होती रहती है, और वो बताते हैं कि ये चीज़ ऑफ द फील्ड आपने इस तरह से ट्रेनिंग करनी है, इस तरह से अपनी डाइट बैलेंस करनी है, और ऑन द फील्ड पर उसका डिफरेंस ये होगा। अच्छा, जैसे अभी शुएब मलिक कप्तान है आप लोगों की टीम का, तो जब आप लोग तो ऑन फील्ड होते हो तो फिर क्या कहकर बुलाते हैं शुएब मलिक को, चाचू या फिर सर? नहीं, फिर जब ऑन फील्ड आप आते हैं तो फिर तो जब आप रस्से के अंदर जाते हैं तो फिर तो कोई ना रिलेटिव होता है, कोई रिलेशन नहीं होता, फिर जस्ट एक प्रोफेशनल आपका एक वो होता है, वो कैप्टन है स्किपर है, हम स्किपर ही कहते हैं उनको, और वो फिर जिस तरह से वो बिल्कुल भी उसमें चाचू वाला वो नहीं आता, कोई रिलेटिव वाला नहीं होता। अच्छा, जैसे 2022 में आप जो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रह चुके हैं, डेब्यू किया है, तो इस साल कोई गोल सेट किया है कि किस टीम के लिए खेलना चाहते हैं? नहीं ऑब्वियसली सभी टीम्स पाकिस्तान की ही फ्रेंचाइजीज हैं, तो ड्राफ्ट में मैं आऊँगा, तो जो भी टीम अगर मुझे पिक करेगी तो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि उसी उसमें भी जाके जो मेरा माइंड सेट होता है कि विनिंग कंट्रीब्यूशन हो, वो चाहे फील्ड में हो चाहे बैटिंग में हो। और इस साल T20 भी आ रहा है, T20 सीरीज़ भी होने जा रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या, कहाँ पर अपने आप को जो है रेट करते हैं? जी बिल्कुल, ये तो एक मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिलेक्शन होना या ना होना मेरे कंट्रोल में तो ये है कि मैं जिस तरह जितनी भी कोशिश करूँ मैं अपना बेहतर से बेहतर करने की हर रोज़ कोशिश करूँ, तो बस वही करता हूँ ऑन द फील्ड। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।